नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें
इस चुनाव में आपके नेता हमारे पिता को दूर रखने का काम किया गया, साजिश रच करके आपके नेता लालू जी को फंसा करके रांची में बंद किया गया। आज वो बीमार है, अस्पताल में है। जब बेटा उनसे मिलने जाता है, हम कहते मिलने, तो एक बेटे को वो मिलने नहीं देते। एक बीमार पिता से मुलाकात नहीं करने देता ये भाजपा वाले लोग। और भाजपा वाले लोग अच्छे से जानता था कि अगर लालू भी अगर बाहर रहेंगे तो किसी भाई के लाल में दम नहीं के गरीब के आठ सौ पच्चीस संविधान को लालू जी को साजिश के तहत से मदद जेल में बनाकर पका करके रखने का काम किया। आप सबको पता है कुछ दिन पहले उनका दिल का ऑपरेशन हुआ। तो एक बात हम कहेंगे कि आप देखे पिताजी हमारे साथ नहीं, सब साजिश रच करके दूर रखने का काम किया। जो कुछ भी आप ही हमारा परिवार है, आप ही हमारा घर है, आप ही हमारा अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। पिताजी को किस प्रकार से जिताने का काम करिएगा। जब पिताजी को जेल भेजा जा रहा था तो हम साथ में थे, पिताजी ने कहा बेटा निराश कायला हो, दुखी कायला हो, तो हम निराश थे, दुखी थे। तो पिताजी बोले बेटा जब निराश होगे, दुखी होगे, तो अपने मालिकों के बीच चले जाना। आज हम अपने मालिकों के बीच चाहेंगे कि आप लोग न्याय करने का काम कीजिए और मेरे साथ नारा लगाइएगा, दिल से लगाइएगा, बुलंदी के साथ लगाइएगा। पीछे जो पेड़ के किनारे किनारे कर्मी करके उन्हें बैठे उन लोग भी साथ दिए। मोदी जी ना रोजगार देना, महंगाई कम देना, कर्जा माफ किए, कौन देती है गरीब को कंगाल कर दिए। इसलिए हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, बोलेगा दोनों हाथ उठा के देश बचाओ, ठीक ना? भाजपा भगाओ, छूटने का नाम ले रहे, ना करने का नाम ले रहे, सांप्रदायिक शक्तियों से सामंतवादियों से लड़ने का काम कर रहे हैं। इस अवस्था में भी, बीमार अवस्था में भी वो आप लोगों का आशीर्वाद है। तो हम इतना कहना चाहते हैं, ये लोग क्या क्या नहीं किया, मेरे ऊपर मुकदमा किया भाजपा वाले लोग, मेरे ऊपर मुकदमा, मेरी माँ पे मुकदमा, मेरी सात बहन है सातों बहनों के मुकदमा, मेरे भाई के मुकदमा, मेरे जितने जीजा जी हैं सातों बहन के साथी सातों जीजा जी का मुकदमा, और कितने लालू जी के संधन और संधि। मेरी सात बेटी है तो सात संधन और संधि, यानी दो चक्कर लीजिए सात तो चौदह, उन चौदह पे मुकदमा किया, संधन और संधि के रिश्तेदारों से मुकदमा किया पूरी तरीके से। आप लोगों के बीच हम आए हैं जनता की अदालत में आए, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होता है, सीधे फैसला होता है, न्याय होता है। और आप लोगों को न्याय करना है, आप लोगों को फैसला करना है। अगर हम लोगों के मन में बेईमानी होता, हम लोगों के मन में लालच होता, तो हम नहीं पलटू जाते सब पलट करके आज बिहार के मुख्यमंत्री होते, भाजपा से हाथ मिला लिए होते। हम लोगों ने कितना भी जुर्म हम लोगों पे दाया जा रहा हो, लेकिन हम लोग ना तो अपने विचार से समझौता कर रहे हैं, ना गरीब की लड़ाई को छोड़ रहे हैं, ना सिद्धांत ना नीति को बदलने का काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और धर्मोपेक्षा की लड़ाई के लिए चाहे जो कुर्बानी देना होगा उस कुर्बानी को हम आपके नेता देने का काम कर रहे हैं। गरीब को उसका अधिकार दिला करके रहेंगे, ना कोई भाजपा वाला होगा
ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे पट्टी चाचा
400 फीट, अभी देख रहे चाचा 400 फीट। बताइए क्या क्या भैया, 4 साल में 4 सरकार बनेगा तो किसी राज्य का विकास संभव है? नहीं। 4 साल में 4 सरकार, कोई काम नहीं, कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। ये तो सृजन घोटाला और लालच था तो बीजेपी में पलटी मार गया। ये बीजेपी में जाने के बाद पाप तो धूल ही ना जाता है, चाहे कितना बड़ा पाप कर दो तो हमारे पास छूट जाता है। सृजन घोटाले का पाप धुलवाने का काम कर रहा है, पालिका के मुजफ्फरपुर का पाप धुलवा रहा है। क्योंकि बीजेपी से लड़िएगा तो आप चोर हो जाओगे, भ्रष्टाचार से हो जाओगे, चाहे कितना सच बोलिएगा आपको जेल में बंद कर देगा। तानाशाह का दौर चला हुआ और कितनों बड़ा से बड़ा पाप किए तो बीजेपी में चले गए तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओ। तो आप देखिएगा कि हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे कि गंगा मैया में डुबकी लगाइएगा तो आपका पाप धुलता है, तो बीजेपी में चले गए तो पाप धुलता है। एक बात समझिए, सुनिए पलटू चाचा क्या काम किए, तो एक और काम शराब बंदी करा दी। अब हम आपके मुख से शराब चालू है कि बंद है? पुलिस का क्या काम होना चाहिए? अपराधी को पकड़ो, बलात्कारी को पकड़ो, हत्यारों को पकड़ो, चोर चकारों को पकड़ो। तो बिहार पुलिस सुंगने चढ़ा के तारुक किया। तो अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो देखिए एक और काम किया हमारे पट्टू चाचा, बालू बंदी करा। अब बता बालू महंगा हो ना गया? पहले बोलते थे कि माफिया सब बेच रहा, चाचा बिकवा रहे तो जगह जगह से आए हुए से और पूरे सूरत लोकसभा से आए हुए कार्यकर्ता मतदाता का माली को मैं 2-3 बातों को बोलना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे आप लोगों को याद होगा कि 2014 में किस आशा के अनुरूप पूरे जोश खरोश के साथ आपने कांग्रेस की सरकार को हटाया था और बदलाव लाया था एक अपेक्षा के साथ कि नरेंद्र मोदी आएंगे, गरीब का बेटा आएगा तो निश्चित तौर पे गरीबों का उद्धार होगा और क्षेत्र का विकास होगा, नया विजन देगा। लेकिन स्थिति 2014 से आज 2019 है, जिस वादा के साथ, जिस आशावाद के साथ आप लोगों ने उस नेता को चुना, पूरा देश में एक ऐसा माहौल बनाया आप लोगों ने और वैसा बहुमत, वैसा ज्यादा था जो लगता था कि विश्व में किसी नेता का नहीं है, वैसा माहौल बना था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज जिसने वादा किया था, कहा था कि चाय बेचने वाले का बेटा, एक गरीब का बेटा चौकीदार बन के आएगा, लेकिन आज स्थिति क्या है? आज 19 में पूरे देश में अब हम सभी लोगों को बिल्कुल अपने आप को फैसला बन जाना पड़ेगा।
लेकिन सब लोग आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, सब लोग फैसला ले बनकर 12 तारीख को राजदेव छात्र के सामने भारी बहुमत से उनके सामने बड़े दबा के विजय बनाना है, ताकि हम लोग के आदरणीय नेता श्री लाल प्रसाद जी के हाथों को मजबूत करता है, देश जी के हाथों को मजबूत करता है, चंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करता है, चित्रकार माझी जी के हाथों को मजबूत करता है, मुकेश साहनी जी के हाथों को मजबूत करता है और आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है आप लोग अपने आप को फैसला भी समझ कर 12 तारीख को भारी से भारी मतलब से विजय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। को कैसे आप मजबूत करेंगे और 2020 में आने वाले विधानसभा में कैसे अपने माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके बिहार की सत्ता को आपके हाथ में देंगे। मैं चाहूंगा आज से 12 तारीख को 12 मई को पसंद सभा करके हमारे पक्ष से अपने महागठबंधन के प्रत्याशी फैसल अली जी को हमारे जी जा रहे हैं।